more investment. Investment is an article of faith. You cannot give up on investment. It's got to be attractive. Investment has to be attractive. How do you create it? How do you use your strengths? Multiplication is the largest tribal state in this country, has the largest forest area. We are mineral rich, but are we able to get the maximum juice out of our minerals? These are the things confronting us. आज हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के समग्र विकास पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास में देश के सबसे बड़े राज्य की क्या भूमिका होने वाली है, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़े। इस उद्देश्य आज उत्तर प्रदेश का वर्ष 2020-21 का बजट विधानमंडल में रखा गया। जनता को ज्यादा सहूलियत दे रहे और राज्य को विकसित करने के लिए सरकार जतन करती है और ऐसा ही कुछ कर दिखाने का जज्बा दिखाई दे रहा है इन दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। यूपी में जहां योगी सरकार 5 लाख का बजट पेश कर सूबे की आवाम के लिए सौगातों का पिटारा खोलने का दम भर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बजट से पहले प्रख्यात अर्थशास्त्री मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया सरकार को सफलता का मंत्र दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि परंपरागत बजट से हटकर मध्य प्रदेश में वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाए। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया की सूबे में आमद इसी बात का संकेत है। बजट से पहले किस तरह विकल्प तलाशे जा रहे हैं, इस सेमिनार के जरिए आइए नजर डालते हैं। एमपी के बजट पर अर्थशास्त्री मॉन्टेक अहलूवालिया का मंत्र, सीएम ने की परियोजनागत वैकल्पिक वित्तीय प्रबंधन की पहल, मध्य प्रदेश में वैकल्पिक वित्तीय स्रोत तलाशने की मुहिम, योजनाओं को स्ववित्त पोषित करने के तरीकों पर भी विचार, अधोसंरचना निर्माण, ऊर्जा औद्योगिक विकास का भी प्रस्तुतीकरण, बैठक में मिलने वाले सुझाव बजट में किए जाएंगे शामिल। मौजूदा वक्त में एमपी पर लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। इधर यूपी सरकार ने 5,12,967 करोड़ के अपने जम्बो बजट में क्या कुछ देने की कोशिश की है सूबे की जनता को, ये भी देखते हैं। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर फोकस है। युवाओं को उद्योगों से जोड़ने और प्रशिक्षण के लिए 2,500 का प्रशिक्षण भत्ता देगी योगी सरकार। 3 राज्य विश्वविद्यालय के साथ प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मेरठ से प्रयागराज तक सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। महिला सुरक्षा पर सरकार का फोकस है। गन्ना किसानों को सरकार ने सौगात दी है, 325 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा गन्ना। ये तो रही वो मोटी मोटी बातें जो यूपी की योगी सरकार के बजट में शामिल है। कुल जमा यूपी और एमपी दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ गरीब किसानों बेरोजगारों के लिए योजनाओं का खाका तो खींच रहे हैं, लेकिन उनके ये प्रयास कब तक और कितना रंग लाते हैं देखना दिलचस्प होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, साथ ही यूपी को विकास पथ पर ले जाने की बात कही जा रही है। इधर कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाश रही है और प्रख्यात अर्थशास्त्री मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया सरकार को इसके मंत्र बता रहे हैं। सवाल यही है, इन दोनों ही सूबों में जहां गरीबी और बेरोजगारी के साथ किसानों की दशा सवालों के घेरे में रही है, वहां सरकारों की ये क्या सच में नया सवेरा लाने वाली कवायद होगी? सवाल कई हैं और यही हमारा आज का विशेष, यूपी का बजट, एमपी में मंथन। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता दीपचंद यादव जी। दीपचंद जी, आपका बहुत स्वागत। के सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत। दीपचंद जी, चर्चा आपसे शुरू करता हूं। ये किस तरह से देखते हैं, जो लगातार जो है कई बार जब से
कांग्रेस की सरकार आई है, कर्ज लेना पड़ रहा है, लगातार कर्ज लिया जा रहा है, और ऐसा बताया भी जाता है कि 2 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो जो पूर्ववर्ती सरकार है वो छोड़ कर गई है। ऐसे में वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उद्योग धंधों का जो है विस्तार और तमाम चीजें करने की कोशिश सरकार कर रही है। और अब प्रख्यात अर्थशास्त्री जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो मंत्र दे रहे हैं यहाँ के मंत्रियों को और अधिकारियों को, किस तरह से देखते हैं आप? देश का या देश का बजट होता है उसका केंद्र बिंदु जनता होना चाहिए और जनता के हितों की रक्षा करना, उनको सब वो सब सुविधाएं मिल सकें, वो प्रजातंत्र में शासन का काम होता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में जो हमारी वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश सरकार पर अभी है, और उसको कर जो है उसका एक तो उसको मीट आउट कैसे करना है, फिर दूसरा एक बड़ी विडंबना ये हो रही है अविनाश जी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला जी, सीतारमण और जो भी हैं वो लोग मिलकर के अपना वो कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने जो मध्य प्रदेश की राशि जो होती है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होता है रेवेन्यू, वो पहले तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त बराबर मिलता रहा, और आज ये स्थिति है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के हिस्से का जो पैसा है वो नहीं दे रही। इस तरह के आरोप तो हमेशा दीपचंद जी लगते ही रहे, जब भी इस तरह का सियासी समीकरण बैठता है कि जब केंद्र में किसी की सरकार और मध्य प्रदेश में या किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो इस तरह की बातें हमेशा कही जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह जैसे उत्तर प्रदेश में है 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उन्होंने इस बार रखा है और तमाम वर्गों को साधने की बात कही जा रही है, हालांकि विरोध भी उनके बजट को लेकर और उनकी मंशाओं पर कुछ सवाल उठ रहे हैं कई, लेकिन जिस तरह की वहां कोशिशें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको कि ये जो जिस तरह से ये मंथन चिंतन किया जा रहा है, उद्योग धंधों के विस्तार की बात की जा रही है, ऐसी स्थिति में ये वैकल्पिक स्रोत तलाशने की जो बात हो रही है वो कितने कारगर होंगे ये उपाय जो किए जा रहे हैं? देखिए अविनाश जी, मैंने पहले कहा कि ये सरकार इससे पहले जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कभी भी ऐसी शिकायत नहीं मिली कि केंद्र ने प्रदेश सरकार को पैसा देने में किसी प्रकार की कोताही की गई। बल्कि एक कई बार तो ऐसा मौका आया कि जब सोनिया जी यहाँ पर अपना उद्घाटन करने के लाएं जेएनआरयूएम का और दूसरे योजनाओं का, और भोपाल अकेले को 2700 करोड़ रुपए मिले और वो काफी पूरे प्रदेश को बहुत बजट में विभिन्न योजनाओं के अंदर, और उस वक्त जब ये बात कही गई तो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री और इसके बाद के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कोई केंद्र सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, ये हमारा हिस्सा हमें दे रही है, कोई नहीं। तो उस वक्त तो ये था, और आज स्थिति बिल्कुल उसके उलट है। आज केंद्र सरकार से जब ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार, एक तो आपने हमको कर्ज में डुबो के गए हैं, दूसरा आप हमारे हिस्से का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता दिलकती, और इससे सरकारों का तो आना जाना जो कुछ होता है अविनाश जी, इससे आम आदमी प्रभावित होता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये बजट जो भी होते हैं, सरकारें जो भी होती है प्रजातंत्र में, आम आदमी के हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। कमलनाथ जी एक उद्योगपति हैं जी, ये कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है, वो वित्तीय प्रबंधन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी जो आज आए थे वो उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, और वो प्रदेश में स्व वित्तीय योजनाएं आपका बहुत से प्रोजेक्ट जो लगाएंगे वो उसके लिए मंथन करने के बाद भी करेंगे, और उसमें आम आदमी का, नौजवान का, महिलाओं का, सुरक्षा का, ये सब बात, शिक्षा का, आपका चिकित्सा का, ये सब बात ध्यान रखा जाएगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है, लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ आप जब यूपी के बजट को देखें, मैं यूपी का बजट देखा, अभी योगी जी को देख रहा था, योगी जी के बजट में उन्होंने 350 रुपए के क्विंटल गन्ने की उसकी तो बात कर दी, लेकिन आम आदमी उसमें से गायब हो गया, नौजवान गायब है, सुरक्षा गायब है, बेरोजगारी। आपके पास लौटूंगा दीपचंद जी, आपके पास लौटूंगा। गुलरेज जी से टिप्पणी ले लेते हैं, गुलरेज जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, गुलरेज जी क्या कहेंगे आप? देखिए इनकी दृष्टिकोण क्या है ये तो इनकी
बातों से, इनके वक्तव्यों से अब जग जाहिर हो गया कि इनके लिए किसान जो गन्ना बोता है वह आम आदमी नहीं है, इनके लिए आम आदमी जो है वो इनका पॉलिटिकल वर्कर होता है, यह समस्या है। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी का विषय है, इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ये बात सच है कि वे एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वे चाहे तो नियत साफ रखे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नियत सही है, लेकिन सही नियत के साथ भी जो कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर है जिसमें अपने आप में पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को धराशाही करना आवश्यक है। देखिए, मैं पूरा विश्वास करता हूं कमलनाथ जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छी नियत वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी तबादलों का उद्योग चल रहा है। क्यों चल रहा है मध्य प्रदेश में? वह इसीलिए चल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी यहां पर है कांग्रेस की, और कांग्रेस के डीएनए में पॉलिटिकल इकोनॉमी की समस्या है। तो आप कितना भी अच्छा कर लो, जब तक इस जंजाल से आप कांग्रेस के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जाल है उसकी प्रदेश को नहीं निकालोगे, प्रदेश में कभी अच्छा नहीं हो सकता। अभी ये कह रहे थे कि जो शिवराज सरकार थी उसने लगभग 2,00,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी से जब सत्ता का हस्तांतरण बीजेपी को हुआ था, तब इस प्रदेश का जो बजट हुआ करता था मात्र 20,000 करोड़ का था, जिसको हमारी सरकार 2,00,000 करोड़ के भारी भरकम बजट पर लेकर आई, और जो विकास की गाथा बुनी वह तो अभूतपूर्व रही मध्य प्रदेश के लिए। तो आप अभी भी कर सकते हैं, प्लस आप यूपी से यदि आप सीखना चाहें, उत्तर प्रदेश में देखिए कि जो लोग देखिए गुलरेज जी, उसमें उस वक्त तो यह भी था कि घोषणाएं बहुत होती थी, लगातार घोषणाएं होती थी, दिन रोजाना ही घोषणाओं का दौर होता था, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल कितना हुआ, ये भी एक सवाल का विषय जी। क्योंकि इन्होंने काफी लंबा बोला, थोड़ा मुझे समय दे, मुझे इनकी बातों का उत्तर दे लें। ये अभी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पैसा नहीं मिल रहा केंद्र से, सरासर गलत बात है। मध्य प्रदेश के कोटे का जो पैसा मिलना चाहिए था वो मध्य प्रदेश को भी मिला, यूपी को भी मिला, कर्नाटक को भी मिला, तमाम स्टेट्स को मिला, पर यह बात नहीं बता रहे कि इनके उसमें कटौती भी तो की गई। गुलरेज जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। ये बात नहीं बोल रहे हैं कि इनके समय जो सेंट्रल पूल से स्टेट का शेयर हुआ करता था वो तो केवल 32% हुआ करता था। मोदी सरकार ने 10 पॉइंट का जंप किया 10% का, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, उसको 42% लाए। अब 42 से केवल 41 किया है इस बार, इसलिए नहीं किया कि कुछ बजटरी एलोकेशन में कमी है, इसलिए किया कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को अलग राज्य बनाया, उनके विकास के लिए 1% जो है वह दिया जाए। चलिए गुलरेज जी, गुलरेज जी आपके पास वापस लौटूंगा। के सक्सेना जी, ये जो बात कर रहे हैं गुलरेज जी, पॉलिटिकल उसकी जो उनका पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो ये बात कर रहे हैं, वो जो उसमें उसको ये कहते हैं कि जब तक वो ध्वस्त नहीं होगी तब तक कुछ भी ज्यादा बहुत बेहतर हो नहीं सकता, लेकिन ये भी मानते हैं वो कि जो सीएम कमलनाथ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं और अच्छी पहल भी है, क्या कहेंगे? ये तो गुलरेज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो प्रयास कर रहे हैं जी, वो वाकई सराहनीय है। जिस तरह से उनका पूरा फोकस जो है शिक्षा के विकास पे है, स्वास्थ्य पे है, सड़क पे, पानी पे, बिजली पे, ये जो उनका एक फोकस है जी, वो फोकस मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देगा, ये मैं मानता हूँ जी। और एक नई चीज की है, वो वाकई सराहनीय, आईफा को जो लाए हैं जी, इससे आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश में परिवहन और पर्यटन जी और रोजगार, इन तीनों को बढ़ावा मिलेगा जी, और ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये लंबे समय का कहते हैं काम नहीं है, ये 2-3 साल ही इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिल पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें बदलती रहती हैं। फिल्म में क्या टेक्नोलॉजी आगे 3 साल बाद आएगी, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल कुल मिला के ये देखा जाए कि जितना भी फायदा मिल सकता हो, अल्प समय में मिल सकता हो, लेकिन ले लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ जी बजट ला रहे हैं, तो उनको सबसे पहले गांधी की विचारधारा, गांधी की जो इकोनॉमी थी, गांधी का जो इकोनॉमी का विचार था, उसको डेवलप करना चाहिए, उस दिशा में काम करने के लिए पूरी जिद्दत लगाना चाहिए। पर लेकिन कई बार देखने में तो आता है के जी कि कमलनाथ जी जो हैं वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री और उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं
उन्हें पीछे ये विषय अलग है। मैं बजट पे बात कर रहा हूँ तो बजट की बात करूंगा, इस पे बाद में बात करूंगा। एक्चुअली गांधी की विचारधारा जो गांधी जी की इकोनॉमी है कि स्वरोजगार उपलब्ध हो, कुटीर उद्योग उपलब्ध हो, उससे ऑटोमेटिक रोजगार की के सृजन होंगे और हमारे जो कुटीर उद्योग हों उनके उत्पादन से इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सेंट्रली लोकेटेड है जी, परंतु उसका बेनिफिट हमारी मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह नहीं उठा पाई आज तक जी, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल मध्य प्रदेश का बीच में होना ये बहुत फायदेमंद है। आप जैसे देखें कि हर प्रदेश अपने अपने आप में एक अलग चीज में उनकी पहचान है, पहचान है, जैसे राजस्थान की पर्यटन में पहचान है, उनकी पूरी इकोनॉमी जो है पर्यटन बेस्ड है। आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ में आयरन और कहते हैं आदिवासियों की कलाकृतियां ये संपदा की भरमार है और धान का कटोरा भी कहते हैं, वो बेस्ड है, वो उनकी वो बेस्ड है। आप केरल में जाएं तो स्पाइस है, मसाले हैं, मसाला है, चाय है, कॉफी है, इसके उत्पादन का बेस है। इस तरह हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ कहते हैं, जैसे गुजरात को देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वहां बहुत बड़ा बीच। मध्य प्रदेश में क्या है कि कोई भी चीज पे अभी तक एक फोकस नहीं किया गवर्नमेंट ने, अपनी पहचान किसी भी चीज को लेकर के नहीं बना पाई, ब्रांड एम्बेसडर किसी भी चीज में नहीं बना पाई अपने आप को, ये एक बहुत बड़ी कमी है। कमलनाथ जी को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश जो है एक पहचान बना सकता है। ऊर्जा के संसाधन मध्य प्रदेश में बहुत उपलब्ध हैं, हमारे पास कोयला भी है, हमारे पास पानी भी है, डैम भी है, बिजली उत्पादन में हम पूरे देश में एक पहचान बना सकते हैं और अपने आप को आर्थिक बूस्ट करने में बहुत मददगार साबित। चलिए चलिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। आप कुछ कहना चाह रहे थे गुलरेश जी? देखिए मैं सक्सेना जी से अनुरोध कर रहा था कि कांग्रेस की जो थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, समय कम है जी जी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो एक्चुअल इकोनॉमी को बाधित करती है उस पर भी प्रकाश डालना था आपको। इस प्रकार से कांग्रेस की हर योजना परियोजना जो है उसमें सीपे जो फंड होता है वो भ्रष्टाचार अंजाम दिया जाता है। दूसरी बात नहीं भूलना चाहिए हमको कि प्रवक्ता से प्रवक्ता लीजिए, मैं तो इकोनॉमी पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ इस पे कि प्रदेश का अच्छे से अच्छा विकास कैसे हो सकता है। ये आरोप प्रत्यारोप का काम आप आपस में करिए। काम कर रहे हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह का भत्ता देने का प्रावधान किया, आपने भी प्रावधान किया था अपने वादे वचन पत्र में कि आप बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए प्रति माह का कुल मिलाकर। गुलरेश जी देखा जाए तो दोनों ही सरकारें अपने अपने प्रदेशों को, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दोनों ही मुख्यमंत्री जो हैं अपने अपने प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जो है वो 5 लाख करोड़ का बजट उन्होंने प्रावधान कर दिया है। तो यहाँ पे जो है कमलनाथ जो है वैकल्पिक स्रोत तलाश रहे हैं जी, इच्छा शक्ति का अंतर क्यों है कि योगी जी को जो टीम है वह उनके साथ खड़ी है, वो कांग्रेस की जो टीम है लूटपाट करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है, अन्यथा तो उनको कोई मतलब ही नहीं है ना सत्ता व्यवस्था से। चलिए दीपचंद जी इनका जवाब दे दीजिए क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल बचा नहीं, जो संक्षेप में बोलिएगा। मैं जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं उसको उसमें नहीं जाना चाहता, राजनीतिक बातें कर रहे हैं और लूटपाट इस तरह की है, हम बजट पे बैठे यहाँ पर हम बजट की बात करना है। बजट में क्या बोलेंगे, बजट में इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा। चलिए उनको बोलने दीजिए, गुलरेश जी वो आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, दीपचंद जी उन्होंने टोका टोकी नहीं की बिल्कुल, आपको आप उनको बात रखने दीजिए अपनी जी। दीपचंद जी बोलिए, बात करिए, हमको 5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है जबकि हमको 2 लाख करोड़ का हमको कर्ज मिला, ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रही। अच्छा देखिए कमलनाथ जी का और योगी जी में अच्छे बहुत अच्छा होता अगर वो नौजवानों के लिए कुछ करते हैं, पर्यटन स्थल में यहाँ पर भी बात करूंगा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, इसके डेवलपमेंट वाले बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए भत्ता दे रहे हैं योगी जी, किसानों के लिए गन्ना किसानों की खरीदारी का अवसर। गुलरेश जी उनको बात तो खत्म करने दीजिए, उनकी बात पूरी नहीं हुई अभी, बात खत्म कर लेने दीजिए उनको। दीपन जी बोलिए, देखिए आपको किसी पे अटैक करने के लिए या किसी की आलोचना करने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, निराधार बातें इस तरह से करने से कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा मैं ये कह मध्य प्रदेश जिस तरह अभी कहा यूपी में पर्यटन को विकास करने के बड़े अवसर हैं, मध्य प्रदेश में भी पर्यटन
का विकास करने के लिए, पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए और उन पर्यटनों से रेवेन्यू जनरेट करने के ये अपार संभावनाएं हैं। इससे आपका उसके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी जब से कमलनाथ जी आए हैं उन्होंने रोड्स का, एयर कनेक्टिविटी जो जो खास चीज होती है पर्यटन स्थलों के जी लिए जी। होटलों का विस्तार, नौजवानों के लिए अच्छे क्रीड़ा स्थल, अभी जो आईफा जो हो रहा है इसका भी एक इम्पैक्ट पूरे प्रदेश के, बिल्कुल सही कहा आपने दीपचंद जी। और ये चीजें होंगी एक इस तरह से सिर्फ वो करके। और अगर ये बात करें तो जरा केंद्र की, मैं एक मिनट अविनाश जी बात कहूंगा, केंद्र ने किस तरह से बेरहमी से आप गैसों के गैस की कीमत बढ़ाई है, किस तरह से बेरहमी से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से बेरहमी से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जिसका आम आदमी पर प्रभाव पड़ रहा है और आम आदमी की जैसे पैसा जा रहा है, इस पर जरा बोल के बताएं जरा। ये सा विकास की बात तो करते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र होता क्या है पहले ये नई डेफिनेशन आप राजनीतिक अर्थशास्त्र की दे रहे हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या होता है? आपने जो बातें करना शुरू कर दी, जरा केंद्र में जो भ्रष्टाचार उसको देखिए, योगी सरकार में जो भ्रष्टाचार उसको देखिए। और चलिए समय समाप्त हो रहा है, ये बहस फिर आरोप प्रत्यारोपों पर चली गई बात। मैं अविनाश जी नहीं चाहता, गुलरेज जी बात मुख्तसर सी सब सिर्फ इतनी है कि बात जो इतनी सी बात है कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जी भी अच्छा कृत्य करेंगे इस प्रदेश के लिए, जी हम अच्छे कृत्य, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बात की जाना चाहिए। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है गुलरेज जी, नहीं तो चर्चा को हम और भी बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कई सवाल भी हैं, सभी है। आखिरी टिप्पणी में चाहूंगा के जी आप दीजिए, जो कुल मिला के जो लब्बोलुआब इस चर्चा का है उसको लेकर जो भी कोशिशें कर रहे हैं सीएम कमलनाथ चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, मकसद सभी का यह है कि जनता को बेहतर से बेहतर सहूलियतें मिल सके, बेहतर से बेहतर विकास हो सके राज्यों का, और जो विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की मंशा सभी की है। लेकिन अब रहा सवाल सियासत का, तो हर कहीं ना कहीं ये इस बीच में कई सवाल उठते भी हैं और ये मिजाज भी है सियासत का, तो इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कोई काम शुरू होगा तो उसके पीछे कोई किसी किस्म का विवाद ना हो या कोई बात ना हो। जी मेरी आवाज़ अगर आपके चैनल के माध्यम से कमलनाथ जी के कानों तक पहुंच रही हो या जो बजट बना रहे हैं उन तक पहुंच रही हो, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां संसाधन बहुत अच्छे हैं और एक पहचान बनेगी अगर हम ऊर्जा में, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैं बताऊं कि हाइड्रोलिक पावर की भी बहुत अच्छी कहते हैं संभावना है। संभावनाएं तो बहुत है लेकिन उनको खंगालने की, उनको तराशने की जरूरत है। उन दिशाओं में काम, मैं वही बात कर रहा हूं, उन दिशाओं में काम करना चाहिए। मैं 5-6 बात आपको बताना चाहूंगा। जी समय समाप्त हो गया असल में केके जी, इसलिए मैं कह रहा था जी, लेकिन आपकी एक मिनट की मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर को उठाने के लिए सरकार को फंड की व्यवस्था जमाना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। माइनिंग उत्पादन में मध्य प्रदेश के पास बहुत संभावना है, उस दिशा में काम होना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं। नहीं, सभी की मंशा ये है, तो हर शख्स चाहता है पूरे देश का विकास। मध्य प्रदेश जो है सेंटर में होने के कारण वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा हब बन, वही बात वही है, सब कुछ इतना साधन संपन्न होने के बावजूद सारे उत्पादन यहाँ आके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए कैसे मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से, ऐसे ही कुछ संभावनाएं तलाश भी रहे हैं सीएम कमलनाथ। और अब तो माउंटिंग सिंह अहलुवालिया जी जो हैं वो आकर अपने मंत्र दे रहे हैं, तो इसके बाद क्या कुछ तेजी आती है इन सारे कामों में वो देखना भी दिलचस्प होगा। आपने इस चर्चा में शिरकत की केके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया दीपचंद यादव जी आपका, और गुलरेज शेख जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट पर जो हम ये चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से वैकल्पिक स्रोत तलाशे जा रहे हैं, और यूपी में भी जो जंबो बजट पेश किया गया है योगी सरकार ने, तो उनकी भी मंशा यही है कि सूबे का विकास हो। अब इसमें कितना सफल होते हैं दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।